2051 मेरा लक्ष्य है, 3 साल मेरे पास समय बाकी बचा है, इन 3 सालों में मैंने आने वाले 30 साल का काम करना है। 2051 तक जितनी हमारी पॉपुलेशन हो उसके हिसाब से रहने के लिए आवास हो और जोन हो, जितनी हमारी पॉपुलेशन 2051 तक हो प्रोजेक्टेड, उनके लिए इंडस्ट्री लगाने के लिए जगह उपलब्ध हो, रोजगार के साधन उपलब्ध हो, 2051 तक जितना पीने का पानी चाहिए, बिल्कुल डार्क जोन हो चुका है, उस पीने के पानी पर मैं काम कर रहा हूँ, 2051 तक कितने गुना ट्रैफिक बढ़ेगी, कितने रोड चौड़े होने चाहिए, कितनी इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उस योजना पर काम कर रहा हूँ। पटौदी से मालपुरा, जमालपुर चौक से पचगांव से जमालपुर चौक, जमालपुर चौक से फरुखनगर, हेली मंडी से मुशैदपुर, डुमा, आकूपुर, भाद्रगढ़ एरिया में डाबोदा, ये जो बड़े काम है। और मेरा एक प्रयास और भी है, हो सकता है वो प्रोजेक्ट मेरा सिरे चढ़े ना चढ़े, लेकिन मेरे जहन में है कि नेशनल हाईवे से छोटा सा टुकड़ा मिला दिया जाए लोकरा और खोड़, तो ये दोनों नेशनल हाईवे कनेक्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। खोड़ से आज मैं चेक करके आया हूँ आपसे मिलने से पहले, खोड़ से और दौलताबाद कोणी तक का जो टुकड़ा मार्केटिंग बोर्ड का है उसके आगे पीछे PWD है, जगह पूरी है, उसको पूरे को मार उसमें ले लिया जाए PWD, तो एक ये पैरेलल और हमारे पास रेवाड़ी जाने का विकल्प तैयार होगा। अंदर हॉस्पिटल के अंदर जो अपने स्वास्थ्य के अंदर भूपेंद्र यादव जी की पहल के ऊपर, क्योंकि वो श्रम मंत्री है, उन्होंने 500 बेड के अस्पताल की आगे बढ़ाने की योजना ESI के द्वारा कराने के निर्देश मुझे भी दिए हैं और हरियाणा सरकार से बात की है। HSIDC में 10 एकड़ ज़मीन हम माणेश्वर में तलाश कर रहे हैं, अगर वहाँ ज़मीन हमें मिलती है 10 एकड़ और उम्मीद है कि मिल जाएगी, डिप्टी CM साहब से भी भूपेंद्र जी की बात हुई है, मेरी HSIDC से बात हुई है, 10 एकड़ ज़मीन हमें मिलेगी, लेबर डिपार्टमेंट के HS से मेरी मीटिंग हुई है, तो माननीय भूपेंद्र जी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके प्रयासों से 500 बेड का अस्पताल एक ESI का वो भी हमारे क्षेत्र को मिलेगा। तो इस तरह के आमूलचूल परिवर्तन और एक बड़ा शहर जिसकी कल्पना आप हम सब कर रहे हैं नगर परिषद पटौदी की, अगर उसमें सभी लोग तैयार रहे तो उसकी और भी हम आगे बढ़ेंगे। मेरा कहने का भाव ये है कि 2051 को रखकर मैं तमाम काम कर रहा हूँ। वर्तमान में मुझे लोगों की दुआ मिले, लोग कहे गलत काम किए नहीं किए, हमें जो काम करने चाहिए हमारे लिए, हो सकता है इन चीज़ों को मुझे भुगतना पड़े, इंडिविजुअल नाराज़गी रोजगार और तबादले के लेकर हो सकता है मुझे सुननी पड़े, लेकिन जो मेरा विजन है वो क्लियर है और मैं अपने विजन से बिल्कुल नहीं डिगूंगा। मैंने जैसा कहा था कि पहला वर्ष मेरा हमारे जो पूर्व में विधायक MP रहे उनके कार्यों को आगे बढ़ाना, उनके किए हुए कार्य को, चाहे वो सेक्टर 1 की जोनिंग प्लानिंग की बात हो, चाहे वो बाईपास का हाईवे की बात हो, चाहे वो कॉलेज की बात हो, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने में मैंने अपनी क्षमता लगाई और उसके परिणाम आने लगे हैं। माणेश्वर कॉलेज का रास्ता साफ हो गया, हाईवे का रास्ता साफ हो गया, सेक्टर की जोनिंग क्लियर होगी, ऑप्शन में भी आ गई है। एक वर्ष मैंने कहा था कि मैं प्लानिंग में अपना पूरा लगाऊंगा कि पटौदी क्षेत्र का भविष्य का डेवलपमेंट कैसा हो। मेरा ये मानना है कि 2 साल के अंदर हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी सौगात दी, 10 स्कूल अपने आप में रिकॉर्ड है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन है, माणेश्वर नगर निगम एक ही जिले में दूसरा निगम, एक अकल्पनीय चीज़ हमारे क्षेत्र को दी है, बिलासपुर चौक से कुलाना की DPR बनाने के निर्देश जिसका काम चल रहा है ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, और जिन गांवों में पीने का पानी सदियों से नहीं है उनमें 31 मार्च तक पानी पूरा पहुंच जाएगा, पाइप पे दगड़ी लग रही है, जो थली के हमारे 33 गांव 18 ढाणियाँ 65 करोड़ से और पानी जो है नहर का हम मीठा पानी वहाँ ला रहे हैं पीने के लिए। ये एक बड़े क्रांतिकारी बदलाव पिछले 2 साल में हमने इस क्षेत्र के लिए, मैंने चुनाव में भी कहा था कि लोकल सेल्फ डेवलपमेंट के काम नगर पालिका और ग्राम पंचायत के होते हैं,
होता क्या है कि एमएलए पूरा फोकस उन पर कर देता है तो क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। मेरा जो विजन था, मैंने जो क्षेत्र के लोगों से वायदा किया था, मैंने एक वायदा किया था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं पटौदी की तमाम प्लानिंग हमारे आने वाली नस्लों के हिसाब से करूँगा।